सही जानकारी और सही उपचार से हम सब मिलकर अपने हमवतनों को मधुमेह से राहत दिलाएं। हमारी एक कोशिश आने वाले समय में मधुमेह के रोगियों की गिनती ना के बराबर कर सकती है। हम आगे बढ़ चुके हैं, पर क्या आप तैयार हैं? हमारे साथ इस वक्त विजय सार विशेषज्ञ श्री रामनारायण दीक्षित जी, जो कि हमें अमृत रस के गुणों से परिचित करवाएंगे और बताएंगे कि कैसे अमृत रस डायबिटीज को रोकने में सहायक होता है। आइए इनसे मिलते हैं। दीक्षित जी, बताइए कि ये अमृत रस क्या है? जी हाँ, ये जो अमृत रस है ये विजय सर पेड़ की लकड़ियों से। विजय सर पेड़ के बारे में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि ये पेड़ कुदरती ही उगता है, यानी आप इसे उगा नहीं सकते। और दूसरी बात कि जब ये पेड़ 8 से 10 साल का हो जाता है तब इसमें वो रस पैदा होता है जो डायबिटीज या मधुमेह से लड़ने में सहायक होता है। ये गिलास उसी पेड़ की लकड़ियों से बना। इस गिलास में आप साफ पीने के पानी को रात भर 12 घंटे के लिए रख दीजिए। रात भर में इसके तत्व इस पानी में मिल जाते हैं और पानी का रंग लाल या हल्का ब्राउनिश हो जाता है। जब सुबह उठने के बाद ब्रश करने के बाद डायबिटीज का पेशेंट इस पानी को पीता है तो इसमें मौजूद औषधीय तत्व ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जिससे आपका मोटापा घटता है, और मोटापा घटने की वजह से आपके जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है, साथ ही साथ आपका रक्तचाप भी नियंत्रित होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने विजय सार का प्रयोग 223 डायबिटिक मरीजों पर किया। 12 हफ्ते तक इनको विजय सार का पानी दिया गया। 35 से 60 साल की उम्र वाले मरीजों की नियमित ब्लड रिपोर्ट ली गई और पाया गया कि ये डायबिटीज की रोकथाम के लिए उपयुक्त। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जैसी देश और विदेश की कई संस्थाओं ने ये वर्डिक्ट दिया है कि ये मधुमेह की रोकथाम में सहायक है। दीक्षित जी, ये बताइए कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? अनुप जी, ये तो शुद्ध आयुर्वेदिक उत्पाद है, इसका उपयोग तो आप भी कर सकते हैं, और इसका उपयोग करने से आपको स्फूर्ति मिलेगी और आप अपने रोजमर्रा के कामों को और अधिक ऊर्जा के साथ कर पाएंगे, और इससे ना सिर्फ डायबिटीज से छुटकारा मिलेगा बल्कि मोटापा भी कम होगा, जोड़ों के दर्द से राहत भी मिलेगी और रक्तचाप भी नियंत्रित होगा, यानी 4 समस्याओं का एक समाधान। सही कहा है आप, पर कितना समय लगता है अमृत रस का असर होने में? देखिए, वैसे तो इसका असर पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इसका मुकम्मल असर देखने के लिए 12 हफ्ते तक तो इसका सेवन करना ही चाहिए, जैसा कि हमने अपने ट्रायल से जाना। सही समय पर उठाया सही कदम आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। लोगों के दिल में अमृत रस के प्रति जो विश्वास है उसे देखकर वाकई मन में जीत की भावना प्रबल हो रही है। हमने जिस मधुमेह नियंत्रित भारत का असंभव सपना देखा है उसे हम सब मिलकर जल्द संभव बनाएंगे। जागिए, जानिए और जीतिए। अगर आपके आसपास कोई भी मधुमेह का रोगी है तो उसे अमृत रस से परिचय करवाना आपका मानव धर्म। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है।